भारत की कि नई तकनीक से घबरा गया है चीन? क्यों अपने जासूसी जहाज से अग्नि 5 परीक्षण की जासूसी करनी पड़ी चीन को? क्या है MIRV टेक्नोलॉजी? कैसे भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण MIRV तकनीक से करके कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है? क्या MIRV तकनीक अनोखी तकनीक है? इस तकनीक की खासियत क्या है? किन चुनिंदा देशों के पास है MIRV तकनीक? इस तकनीक का ईजाद कहां हुआ? किसने सबसे पहले इस तकनीक को उपयोग में लिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और बता दें कि भारत ने ये परीक्षण MIRV तकनीक से किया है। ज्यादातर लोगों को MIRV तकनीक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बता दें कि ये तकनीक इतनी खास है कि इसके लिए भारत के इस अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण पर चीन तक की नजर थी। जी हाँ, चीन भारत के अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की जासूसी कर रहा था। दरअसल वो MIRV तकनीक से डेवलप हुए अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता को परखने की कोशिश में था। हालांकि इस आरोप का खंडन करते हुए चीन ने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन न सिर्फ भारत बल्कि कई पश्चिमी देशों का ये मानना है कि चीन की मंशा भारत के अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता को परखने की ही थी। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर MIRV तकनीक क्या है जिससे चीन तक घबरा गया है, और कैसे भारत MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये खास वीडियो खास आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक बन रहे आपको MIRV तकनीक से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर MIRV तकनीक क्या है। भारत के DRDO ने बीते 11 मार्च को देश की पहली MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। दोस्तों, ये भारत का एक नया कीर्तिमान है। बता दें कि भारत MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर उन 6 देश की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। बता दें कि इस मिसाइल को भारत के मिशन दिव्यास्त्र के तहत टेस्ट किया गया है। तो आइए ये जानते हैं कि MIRV टेक्निक आखिर है क्या, MIRV टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो आप MIRV का फुल फॉर्म जान लें। दोस्तों, MIRV का फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल है। बता दें कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड है जिसे बाहरी वायुमंडलीय तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन्स को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड से लैस ICBM यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा हुआ है। इसी टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जब MIRV टेक्निक की वजह से अलग अलग जगहों के लिए एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाइल में लगाया जा सकेगा, तो इससे भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ना लाजमी है। और दोस्तों, निश्चित ही MIRV तकनीक से भारत की मिसाइल की ताकत में इजाफा हुआ है, और इसी के साथ ही भारत की ताकत भी बढ़ गई है। MIRV तकनीक कब डेवलप हुआ? दोस्तों, आपने ये तो जाना कि कैसे MIRV तकनीक के बूटे एक ही मिसाइल में कई न्यूक्लियर वेपन्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन आइए अब आप ये जानिए कि आखिर MIRV तकनीक कब डेवलप हुआ। बता दें कि सबसे पहले साल 1960 में MIRV को डेवलप किया गया था, और सबसे पहले MIRV तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ही सबसे पहले MIRV बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण 1970 में किया था, और फिर इसके बाद अमेरिका ने ही MIRV बेस्ड सबमरीन का परीक्षण 1977 में किया था। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर MIRV तकनीक काम कैसे करती है। कैसे काम करती है MIRV तकनीक? दोस्तों, MIRV तकनीक पर बेस्ड मिसाइल में बूस्टर बस को पुश करके फ्री फ्लाइट सब ऑनऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ को टारगेट करता है, और फिर बूस्ट फेज के बाद बस में लगे ऑनबोर्ड रॉकेट मोटर को कंप्यूटराइज्ड इनर्शियल गाइडेंस दिया जाता है, और ऐसा करने के बाद ये अलग अलग टारगेट पर कई बार हिट करने लगता है। MIRV के फायदे।
दोस्तों, मायावी तकनीक किसी दिए गए थर्मोन्यूक्लियर वेपन पेलोड के लिए अधिक लक्ष्य क्षति भी प्रदान कर सकती है। इसकी तैनाती रणनीतिक बलों के लिए फर्स्ट स्ट्राइक क्षमता को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये कई वेपन छोड़ सकने में सक्षम है, इसीलिए ये क्लस्टर युद्ध सामग्री के उद्देश्य को भी पूरा करती है। ये आवश्यक मिसाइल और लॉन्च सुविधाओं की संख्या को कम करती है। दोस्तों, MIRV तकनीक के साथ एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की प्रभावशीलता भी कम हो जाती है, जो व्यक्तिगत हथियारों को रोकने पर निर्भर करती है। अग्नि 5 पर नजर रखने के लिए चीन ने उतारा था जासूसी जहाज। दोस्तों, भारत ने मार्च में MIRV तकनीक से लैस 5000 किलोमीटर की रेंज वाली ICBM का सफल परीक्षण किया था, जिसकी रेंज में पूरा चीन आता है। साथ ही ये एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। इन सब विशेषताओं से भरी इस मिसाइल का जब परीक्षण किया जा रहा था, तब चीन की नजर अग्नि 5 की टेस्टिंग पर थी। बता दें कि कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अग्नि 5 की टेस्टिंग से कुछ हफ्ते पहले चीन ने अपना दूसरा रिसर्च जहाज भारतीय तटों पर भेजा, और ऐसा माना जा रहा है कि चीन इस जासूसी जहाज के जरिए भारत के मिसाइल परीक्षण पर नजर रख रहा था। बता दें कि भारत ने इस परीक्षण से पहले अपने पड़ोसियों को मिसाइल टेस्टिंग की संभावना के बारे में अलर्ट करने के लिए बंगाल की खाड़ी और 3,526 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर क्षेत्र पर एक नोटम यानी एक नोटिस टू एयर मिशन जारी किया था, जिसे जारी करना रॉकेट टेस्ट से पहले अनिवार्य होता है। और बता दें कि इसी के बाद चीन के जासूसी जहाज को देखा गया। इसके बाद उस जहाज की सीमा और क्षमता के आंकड़ों की गणना की गई। बता दें कि भारत के साथ साथ कुछ पश्चिमी देशों का भी मानना है कि चीन का ये जहाज दरअसल सैन्य उद्देश्यों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों की नौसेना के बारे में संवेदनशील डाटा इकट्ठा कर रहा है। और दोस्तों, ये जग जाहिर है कि चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 2022 में एक चीनी अनुसंधान पोर्ट ने मिसाइल परीक्षण के कुछ दिन पहले IOR में प्रवेश किया था, जिसके बाद भारत ने नोटम रद्द कर दिया था। कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग टाटा से कई देशों ने इस तरह के स्पाई सैटेलाइट के लिए संपर्क भी किया है, और अगर वाकई बाकी देशों को भी इस सैटेलाइट की जरूरत महसूस हो रही है, तो यकीनन वो इस सैटेलाइट के महत्व को अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों, भारत में निर्माण किया गया ये स्पाइस सैटेलाइट एक और उदाहरण है कि भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जिस हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई वेपन स्वदेशी रूप से तैयार किए हैं, उस हिसाब से इस सैटेलाइट का निर्माण कर भारत ने दुनिया को ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि अब भारत को अपने ज्यादातर जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत तेजी से हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण हुआ है। इसके साथ ही भारत AMSEA और दुर्गाकाली लेजर वेपन्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर भारत ने अपनी सुरक्षा और दुश्मन देशों के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वैसे आपका क्या मानना है, जिस तरह से दुनिया के कई देश इस वक्त युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहे हैं, वैसे में भारत का तेजी से वेपन्स डेवलप करना और इस तरह के सैटेलाइट को तैयार करना कितना कारगर है? क्या भारत को इस क्षेत्र में और भी तेजी से काम करने की जरूरत है? दोस्तों, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।